नमस्ते। देवम प्रतिष्ठान के द्वारा आयोजित हिंदी ग्लोबल इनिशिएटिव के अंतर्गत हम आज का यह कार्यक्रम कर रहे हैं। क्रिसमस के पावन पर्व की छांव में बल्गारिया और पोलैंड के बीच हिंदी एक नव सेतु का निर्माण कर रही है। सोफिया विश्वविद्यालय के भारत विद्या विभाग से आज हमारे साथ एमए कक्षा के विद्यार्थी जुड़े हैं, श्रीमती कात्या तोशेवा, श्रीमती स्टेला इस्तोइलोवा और एक और विद्यार्थी है हमारे साथ जो आज हमारे जो जुड़ नहीं पाए हैं, उनका नाम है श्री नदेलचो जेनोफ। प्रथम वर्ष से हमारे साथ जुड़े हैं बेतीना अस्तिकोवा, श्री निकोला यानकुलो और जारा त्योदिसिएवा। मैं प्रोफेसर सुधांशु शुक्ला जी और उनके विद्यार्थियों का बहुत स्वागत करती हूँ। आदरणीय सुधांशु जी, वारसा विश्वविद्यालय में आईसीसीआर हिंदी चेयर पर हैं। वे दिल्ली में हंसराज कॉलेज में प्रोफेसर हैं और आजकल वारसा विश्वविद्यालय में हैं। वे प्रसिद्ध लेखक, कवि और विश्वविख्यात समीक्षक हैं। मेरा सुधांशु जी से अनुरोध है कि वे कुछ शब्द कहें और अपने विद्यार्थियों से हमें परिचित कराएं। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ देवम संस्थान का, और क्रिसमस के पावन पर्व पर दो देशों के बीच बहुत सुंदर सुंदर छात्रों को जोड़ने का, स्टूडेंट्स को आपस में मिलाने का, जो आत्मीयता का संबंध जोड़ा है वो बहुत ही सराहनीय है। और पोलैंड में हिंदी किस तरह से विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती है, मैं देख रहा हूं कि बल्गारिया के अंदर भी किस प्रकार से ये छात्र मन से हिंदी सीखते हैं और भारत से प्यार करते हैं। मेरे साथ मेरे जो बीए फर्स्ट ईयर के बिगनर स्टूडेंट हैं, उसमें लीना हैं। ये लीना जी हैं, जितनी खूबसूरत हैं ये उतना अच्छा बोलती भी हैं हिंदी। साथ में हैं मैथ्यूज जी हैं। मैथ्यू ये फर्स्ट ईयर के हैं और इन्होंने 2 महीने के अंदर हिंदी बोलना किस तरह से सीखा और किस तरह से इनकी बातें होती हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और मेरे साथ जो मेरे थर्ड सेशन की छात्राएं हैं उसमें इजा द्रुज हैं, ये हैं इजा जी। और इन्होंने बहुत अच्छी, पिछली बार आपने देखा होगा, एक एक्टिंग भी की मुन्ना भाई एमबीबीएस, उसमें ये थी। और दूसरी तरफ हना लिस हैं, ये थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं और बहुत अच्छे बच्चे हैं। और मुझे बहुत खुशी होती है कि यूरोप के अंदर और पोलैंड में और अब तो बल्गारिया में भी ऐसे बच्चों को पाकर हम लोग धन्य हैं। और अब ये विद्यार्थी अपना परिचय और अपने बारे में बताएंगे, फिर बाद में हम लोग इनसे कुछ आपस में बातचीत भी करेंगे। धन्यवाद सर। मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगी स्टेला जी को, जो हमारे भारत विद्या विभाग में एमए इंडोलॉजी में कर रही हैं। स्टेला जी, कृपया अपना परिचय दें। स्वागत है।
धन्यवाद, नमस्ते। मैं स्टेला स्टुइलोवा हूँ, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं 3 महीने से हिंदी सीख रही हूँ। मैं पर्निक में रहती हूँ, मेरा शहर छोटा है लेकिन बहुत शांत है। मुझे नौ चीजें सीखना और संगीत सुनना पसंद है। 3 साल पहले स्कॉलरशिप पर मैंने नोएडा में 3 महीने आईटी कोर्स किया। भारत रंगोन का देश है। धन्यवाद। और अब पोलैंड से क्या मैं हाना जी को बुला सकती हूँ? हाँ हना जी, आप अपना परिचय दीजिए। नमस्ते, हाँ मेरा नाम हाना है, मैं हिंदी पढ़ रही हूँ वर्षा विश्वविद्यालय में 3रे साल में। और हमारा यूनिवर्सिटी में 5 हिंदी प्रोफेसर है, 4 पोलैंड से और 1 प्रोफेसर भारत से, सुभाष शुक्ला जी। और आज मैं और ईजा जी कविता बोलती है। धन्यवाद। धन्यवाद। कात्या जी, कुछ शब्द आप कहें। मैं सोफिया में रहती हूँ, ये बल्गारिया की राजधानी है। ये इतिहास में रुचि हूँ, ठीक है। कांते जी, आपकी निष्प्रिकसवा आवाज कट रही है। आवाज सही नहीं थी, लेकिन एक बार फिर आप पर आपसे बात करेंगे। अभी इजाबेला जी बुलाते हैं, आप अपना परिचय दें। नमस्ते, नमस्ते। मेरा नाम इसाबेला द्रुष्ट है और मैं हन्ना के साथ वर्सा यूनिवर्सिटी में इंडोलॉजी का डिपार्टमेंट में हिंदी पढ़ती हूँ। और आज मैं 4 कविताएं सुनाऊंगी। एक कविता सुधांशु शुक्ला जी का कविता है और 3 कविताएं ये कबीर के दोहे हैं। बहुत सुंदर, धन्यवाद। निकोला जी बल्गारिया से। नमस्ते, मैं निकोला हूँ, मुझे निकी कह सकते हैं। मैं सोफिया विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। आप कहाँ रहते हैं? मैं काबुल रहते हूँ। गाबरोवो एक बहुत सुंदर शहर है और निकी जी वहां पर रह रहे हैं। अब नंबर है लेना जी। नमस्ते, मेरा पूरा नाम लीना फाउटनोविक है और मैं वर्सो विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ती हूँ। मेरा हिंदी प्रोफेसर प्रोफेसर शुक्ला जी है और मैं वर्षों में रहती हूँ।
लेकिन मैं पॉलिश हूँ, धन्यवाद। आपको लीना जी इंडियन फूड्स अच्छा लगता है? जी हाँ जरूर। कुछ फूड इंडियन फूड्स के नाम बताइए। ओके, मैं समोसा और नान और पालक पनीर जानती है। जानती हूँ कि आपके अच्छा। फादर क्या हैं? व्हाट इज योर फादर? मेरा पिता प्रोफेसर है। इनके पिता प्रोफेसर हैं और वारसा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। सुधांशु जी, मैं सब अब जारा जी को बुलाना चाहूंगी, तो जारा जी अपना परिचय दें। नमस्ते, नमस्ते। मैं जारा हूँ, मैं 19 साल की हूँ। मुझे भाषाएं बहुत पसंद है, उन्हें सीखना पसंद है। मैं स्पेनिश, अंग्रेजी, बुल्गारियन और हिंदी भाषा बोलती हूँ। मुझे भारत ही बहुत पसंद है। धन्यवाद। धन्यवाद। सर, मैं यहाँ थोड़ा विभाग के बारे में बता दूं। हमारे यहाँ भी हिंदी पढ़ाने वाले अध्यापक बहुत, हम लोग 5 अध्यापक हैं जो हिंदी पढ़ाते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर संस्कृत और उर्दू भी पढ़ाई जाती है। प्रोफेसर मिलेना ब्रतोएवा, प्रोफेसर गलीना रूसेवा, गाले सुकोलोवा जी, लिली देनेवा, प्रोफेसर मरीनोवा, वानिया गांचेवा जी, डॉक्टर यांकोफ, ये वे नाम हैं जिन्होंने बल्गारिया में इंडोलॉजी विभाग की सुदृढ़ नींव रखी है। और अब मैं बेतीना जी के पास जाती हूँ। बेतीना जी, बताइए, अपना परिचय दीजिए। नमस्ते, मेरा नाम बेतीना स्टिकुवा हूँ। मैं वाराणसी से हूँ। मैं सोफिया विश्वविद्यालय में छात्री हूँ। मेरी शौक गाना और डांस करना है। मैं अंग्रेजी, जर्मन, लैटिन और ग्रीक और हिंदी भाषा बोलती हूँ। धन्यवाद। सुधांशु जी, यहाँ पर जब कातिया जी बोल रही थी तो सुनाई नहीं दिया। कातिया जी भरतनाट्यम की और भरतनाट्यम, कथक और ओडिसी, इन तीनों भारतीय परंपरागत जो नृत्य हैं उनकी बहुत प्रसिद्ध कलाकार हैं। वे लगातार भारत जा रही हैं और यहाँ पर बल्गारिया में उनके उनका एक डांस स्कूल है और वे भारतीय संस्कृति का पूरा प्रचार प्रसार कर रही हैं। मैं आपको रोक रहा हूँ, आप गलत बोल रही हैं कि ये बल्गारिया की हैं, ये तो पूरी तरह से भारतीय लग रही हैं। पूरी तरह से भारतीय लग रही हैं, भी शिक्षा से भी और सब कुछ, डांस जिस तरह से सीख रही। और अब शायद मैथ्यू जी रह गए हैं। मैथ्यू जी, हाँ, आप अपना परिचय दीजिए। माइक ऑन कीजिए। आवाज, अपना माइक ऑन कीजिए। माइक ऑन कीजिए। हाँ बोलिए। इट्स ओके। हाँ ओके, इट वाज कनेक्टेड टू माय कैमरा बिकॉज़ ऑफ माय माइक्रोफोन। ओके, नमस्ते। Mateusz Krzysiak, मैं वर्षा विश्वविद्यालय में हिंदी
parta hum me intelligence department me parta hum me warso me rechta hum mera hindi adiapak professor Shukla he professor Shukla bahut acha he mujhe Indian culture or Indian adiatmik pa bahut pasand hai dhanyawad Mathew ji aapko bhartiya sweet dish mithai kaun si pasand hai ji kha main gulab jamun aur sandesh aur payasam janta hum अच्छा क्या आप बोध गया का नाम सुना है आपने भारत में बोध गया जी हाँ बोध गया भारत में है बोध गया इस इम्पोर्टेंट प्लेस ऑफ बुद्धिज्म गुड बहुत बहुत धन्यवाद मैथ्यूज तो आप सबका परिचय पाकर बहुत खुशी हो रही है और हमें खुशी है कि हम सब साथ हैं और मैं सर से अनुरोध करूंगी कि वे हमारे विद्यार्थियों से भी पूछें उन्हें कौन भारत का कौन सा शहर पसंद है उन्हें कौन सा खाना पसंद है अब मैं क्योंकि नाम पूरे नहीं आ पा रहे तो आपके साथ बैठी हैं जारा जी आपको भारत का कौन सा शहर पसंद है विच सिटीज यू लाइक इन इंडिया प्लीज सब अनम्यूट कर लें अपने आप को अनम्यूट करें देखिए ना ऐसा है मोनिका जी आप बच्चों से नाम पूछे क्योंकि नाम आ नहीं पा रहे सामने तो इसलिए आप पूछे तो ज्यादा अच्छा लगेगा अच्छा कातिल प्लीज अपना ये अनम्यूट कीजिए और आप भारत में कहाँ कहाँ किस शहर में गई थी बनारस बंगलोर दिल्ली गाजियाबाद ये गाजियाबाद गई थी और उसके अलावा ये बुलंदशहर गई थी सर जहां पर इन्होंने बल्गारियाई लोक जो नृत्य है और संगीत है वहां पर एक स्कूल में कई सौ बच्चों के साथ में इन्होंने कार्यक्रम किया था बहुत बढ़िया सर जी अब हम लोग इन बच्चों के कविताएं जो बच्चे सुनाना चाहते हैं उनसे शुरुआत करते हैं और मैं ईजा से कहता हूँ ईजा अपनी आप कविता का पाठ कीजिए जो आपने कविता का पाठ करना है इजा अनम्यूट कर लें हाँ इजा अनम्यूट करके आप बोलिए हाँ आप सबको सर्टिफिकेट भी मिलेगा इजा बोलिए वो भी दे दे इजा
इजा प्लीज अनम्यूट कीजिए. मैं नहीं कर सकती. ओके बोलिए बोलिए. हाँ, माँ सरस्वती कैसी थी? माँ हंस पर बैठी सफेद कपड़ों में, वीणा लेकर ज्ञान की देवी माँ सरस्वती. मैं माँ सरस्वती से केवल इतना मांगती हूँ, ते शारदे सबको ज्ञान दे, आन दे, बान दे, चांद दे, मान दे, भक्ति दे, शांति दे, शक्ति दे, सबको किताबें दे, प्यार दे, स्कूल दे, कोई बीमार ना हो ऐसा वरदान दे, देश में विदेश में मान 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 दे. क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. इसके बाद आप कबीर के दोहे भी पढ़िए. हाँ, तीन दोहे. साईं इतना दीजिए जामे कुतुम समाए, गुड, मैं भी भूखा ना रहूं, हरी भी भूखा ना जाए. गुरु गोविंद तो करे कखे लगूं पाए, बड़ी हरी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताए. गुड. बुरा जो देखम मैं चला, बुरा न मिले कोई, जो दिल खोजा अपना बुरा न मुझसे कोई. धन्यवाद. शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे अच्छे. मैं अपने एक और विद्यार्थी को बुलाकर दो विद्यार्थी पढ़ेंगे, तो हनालिस को भी आमंत्रित करता हूँ. हनालिस, आपने कोई कविता का जो पढ़ना चाहती है बताइए और पढ़िए. मैं ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जब मैं रह के नीच नाम करो, ये जान हुआ किस अर्थ हो, समझे जिसमें ये व्यर्थ ना हो, कुछ तो अपयुक्त करो तन को, ना रहो निराश करो मन को, संभालो कि सुयोग ना जय चले, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भलो, समझो जग को ना निरा सपना, पाठ आप प्रशस्त करो अपना, अखिलेश शर है अवलबान को, नर हो ना निराश करो मन को. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत. आपकी आवाज नहीं आ रही. हम भी बल्गारिया से एक कविता प्रस्तुत करना चाहेंगे. निकोला जी आप पढ़िए, लेकिन पहले अनम्यूट करिए. नवगति नफलये कालचंद ने नवल कन नफ जलत मंदर नफ नबख के नफ विहक वरिंद को नफ पर नफ सर्दे वर्दे विना वादिनी वर्दे. धन्यवाद महाकवि निराला की इस कविता से. हम निकोला जी ने हमें जो सुनाया बहुत सुंदर लगा हमें तो. और ये अभी पहले वर्ष के विद्यार्थी हैं और इतना सुंदर काम कर रहे हैं, इतनी अच्छी तरह पढ़ रहे हैं ये सभी लोग, जाना जी, बेती जी और काते जी और स्टेला जी, तो खैर आप देख ही रहे हैं. ये लोग बहुत मेहनत से हिंदी पढ़ रहे हैं. जैसे आपके विद्यार्थी हिंदी पढ़ रहे हैं मेहनत से, ऐसे ही हमारे विद्यार्थी हिंदी पढ़ रहे हैं. तो स्टेला जी, सर वे कंप्यूटर स्पेशलिस्ट हैं.
और इसीलिए वे भारत गई एक विशेष स्कॉलरशिप पर. लेकिन हमारा है कि हमारे जो बच्चे हैं और जो फर्स्ट ईयर के आपके यहाँ पर हमारे यहाँ जो इंडोलॉजी पढ़ रहे हैं वे कुछ समय के लिए भारत अवश्य जाएं. जब सब सही हो जाए तो वो भारत जाए. मेरी भी इच्छा यही है कि ये विद्यार्थी भारत जाएं और देखें, और हम कोशिश करेंगे पूरी तरह से कि इन्हें भारत जाने के लिए कोई स्कॉलरशिप मिले और ये उस स्कॉलरशिप पर ये लोग चाहे एम्बेसी की तरफ से हो, चाहे केंद्रीय हिंदी संस्थान की तरफ से हो, या अनौपचारिक रूप से जो संस्थाएं जी विदेशी छात्रों को भारत बुलाती हैं उसके लिए मेरा प्रयास रहेगा कि दोनों देशों के बच्चे जाएं. ये मेरा सपना है और इसे मैं पूरा करूंगा. सर, और ये किताबें हैं जो पाठ्यक्रम के में हैं और पाठ्य पुस्तिकाएं जो यहाँ पर बल्गारिया में प्रोफेसर वलंटीना मरिनोवा जी उन्होंने ये तैयार की हैं. हम यहाँ इसके माध्यम से हिंदी पढ़ाते हैं और ये वानिया गांचेवा जी की एक किताब है और एक और ये किताब इनसे, और यहाँ इसमें सब कुछ हिंदी में है. सब किताबों में हिंदी में है. तो हमारे यहाँ वारसा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर दानुता साशिक, उन्होंने पॉलिश बच्चों को पॉलिश और हिंदी और अंग्रेजी तीनों में कर कर किताबें लिखी हैं. वारसा यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाई जाती हैं और हर हिंदी पढ़ने वाला विद्यार्थी प्रोफेसर दानुता साशिक की पुस्तक को पढ़ता है और बहुत अच्छा वो काम कर रही हैं. निश्चित रूप से पोलैंड के अंदर अगर इंडियोलॉजी डिपार्टमेंट में है तो वो रीढ़ की हड्डी प्रोफेसर दानुता साशिक हैं. चार लोग हैं, एक कोला मैम है, बहुत मेहनत के साथ बच्चों को पढ़ाती हैं, और याकूब सर हैं, एक योसना मैम है, ये चारों लोग बहुत मेहनत करते हैं. और प्रोफेसर दानुता साशिक का तो राम कावे पर उन्होंने पीएचडी की है और ओला अलेक्जेंड्रा ओला मैम के राजस्थान के लोकगीतों पर उनका काम है. सर, क्या आज आप इन बच्चों को कुछ पढ़ाएंगे? हाँ, मैं निश्चित रूप से पढ़ाने की कोशिश करूंगा क्योंकि आप इतना अच्छा पढ़ा रही हैं तो कुछ लगता है कि मुझे जेलसी हो रही है कि आप इतना अच्छा पढ़ा रही हैं तो मैं भी कुछ थोड़ा सीखूं. नहीं नहीं सर, हम तो आप हमें अच्छा लगेगा. प्लीज एक थोड़ा सा केवल 5 मिनट की मैं आपको क्लास दूंगा. अगर आपको किसी को कुछ भी पूछना हो तो उसमें पूछ सकते हो क्योंकि आप लोगों को तो हिंदी आती है तो ऐसी दिक्कत नहीं. जो बिगनर है उनके लिए किस तरह से आता है यहाँ, ये जो धीरे शुरू कर रहे हैं उनको मैं समझता हूँ लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है. विदाउट लैंग्वेज यू कैन टीच. योर बॉडी इज ए बिग लेबोरेटरी, लिंग्विस्टिक लेबोरेटरी. और मैं आपको उसी तरीके से अपने एक्शन से अपनी बॉडी लैंग्वेज से हिंदी सिखाऊं. मोना जी, आप भी अभी स्टूडेंट हैं. We will start from is MR. You know English? Is MR. These are helping verb. Is है. Am whom. Yourself. I मैं. I am student. मैं छात्र हूं. मैथ्यूज, आप
कौन है? मैं छात्र हूँ। आप कौन है? मैं छात्र हूँ। मैं छात्र हूँ। मैं I am a professor. मैं प्रोफेसर हूँ। मोना आप कौन हैं? मैं एक छात्रा हूँ। Second person you. When we talk first person and second person you. तुम you always come are है। इजा आप कौन है? मैं छात्रा हूँ। He and she. These are third person. When we talk to second person and talking about third person, Anya Purush. Is and singular. He is Dominic. वह कौन है? वह कौन है? वह द्रोमनिक है। वह कौन है? She is Stella. वह कौन है? She is Isa. Singular. When we use plural, बहुवचन. They are student. वे छात्र हैं। वे छात्र हैं। है सिंगुलर, प्लूरल हैं। हीना आपके कमरे में संज्ञा नाउन क्या है? कौन कौन से नाउन है? मेरा कमरे में दो खिड़कियां है। मेरा कमरे में मेज है और कलम है और मेरा मोबाइल है। गुड। व्हाट एवर यू आर लुकिंग सीइंग दीज आर नाउन। योर नोज इज आल्सो नाउन। ओके एंड what are you looking in your room, Stella? Noun. मेरे कमरे में एक डेस्क है। डेस्क पर एक कंप्यूटर है। बट मेरे कमरे में एक रसीम Whatever, yes, picture है, तस्वीर है। Yes, तस्वीर है। दो कुटियां। हाँ। और किताबों की अलमारी है। हाँ। Do you know? Oh, good, very good. And do you know? How many and how much? How many books in your cupboard, Lina? How many it will be? How many? How much? Kitna? Kitna dood? How much liquid? Matra? Quantity? Many countable things. In present tense, ता ते ती वह पढ़ता है। Present tense, he reads. वह पढ़ती है। She reads. ती ता ते मैं पढ़ता हूँ। Always use हूँ with first person. मैं पढ़ता हूँ। जारा
मुस्कुरा रही मुस्कुराती है, जारा इज स्माइलिंग हंस रही है, और इस तरह से हम अपनी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा भी हिंदी समझा सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज जो है एक इंस्ट्रूमेंट है, साधन है, और हम इशारे से भी बातचीत कर सकते हैं, समझा सकते हैं, कम्युनिकेशन का माध्यम। तो मुझे पॉलिश नहीं आती, लेकिन मैं पॉलिश बच्चों को हिंदी इसी तरह से पढ़ाता हूँ, ये कोशिश करता हूँ। और मुझे लगता है कि बल्गारिया के स्टूडेंट को शायद मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा। बिल्कुल अच्छा लगा है सर, और मुझे जो अच्छा लगता है आपके पढ़ाने में, जो आपकी भाव भंगिमाएं हैं वे बहुत कुछ कह जाती हैं। हाँ। तो क्या आप मुन्ना भाई MBBS का आपने जिक्र किया था, हाँ। फिल्म के की कुछ हमारे बच्चों से कुछ कह सकते हैं उनके बारे में? इजा आपके पास है फिल्म, वो आपके मेल पर है फिल्म? लेकिन मैं नहीं, हम बाद में उसे देख लेंगे, आप हमें लिंक भेजिएगा। हम लिंक भेज देंगे उसमें, और उस फिल्म के अंदर हना थी, इजा थी, इन बच्चों ने ही उस प्रोग्राम को, मुन्ना भाई फिल्म के कुछ सीन लिए और उस सीन को चेंज किया, अपने आप एक्ट किया, और उसके माध्यम से बम्बैया भाषा के अंदर इजा कुछ डायलॉग सुनाए। हाँ, इजा आप क्या भाई MBBS के डायलॉग कुछ सुनाइए। मैं आपको अगर आप कहें तो मैं आपको इस पर दिखा सकता हूँ। नहीं नहीं लिंक देखेंगे, और दो मिनट का है, अगर पॉसिबल होता है तो ये देख सकते हैं। मैं देखूँ जी। हाँ हाँ, लेकिन मैं मुझे ढूंढना है तो देखो आप बात कीजिए, मोना जी आप बच्चों से बात कीजिए। जारा जी आपके कमरे में क्या क्या है? मेरा कमरे में एक किताबों की अलमारी और एक कुर्सी और चार दीवारें और एक मेज। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, धन्यवाद। बेटी जी आपके पास एक बिल्ली है? और उस बिल्ली का क्या नाम है? मेरी बिल्ली मेरे बिल्ली नाम का नाम शेली है। और वो कितने साल की है, कितने वर्ष की है, 1 साल 2 साल? शायद छोटी है, वो छोटी सी है। डेढ़ साल की है। ओके, अच्छा, तो छोटी है। अच्छा, निकोला जी के पास एक कुत्ता है? जी हाँ, मेरा कुत्ता मूरा, मेरा कुत्ता का नाम मूरा है। ये एक साल है। हाँ, 1 साल का है। आप लोग बात कीजिए, पूछिए। कातिया जी हाना से पूछिए या लीना से पूछिए, बातचीत कीजिए।
जी या नली और पोल शासर्ष तो फ्रॉम यू कैन आल्सो आस्क अस पूछिए क्या तुम नृत्य पसंद है तुम्हें नृत्य पसंद है डांस नाच नाच नाचना नाचना लेना जी बताएं आपको डांस पसंद है नहीं मैं डांस नहीं हूँ करती हूँ ओके अच्छा जारा जी आप पूछिए मैथ्यू जी से पूछिए मैथ्यूज आपका नाम क्या है मैथ्यूज फॉर एग्जांपल या आप I can ask a question. Okay, yeah. आपके पास कुत्ता है? जी हाँ. आपका कुत्ता नाम क्या है? मेरा कुत्ता का नाम टियोन है. अच्छा. और निकोला जी कुछ पूछेंगे? पूछिए. हाना से पूछिए हाना कौन सा दम कहा रखती है मैं वर्षा में रहती हूँ पोलैंड की राजधानी आप कौन सा शहर में मैं एक छोटा नगर रहती हूँ मैं घर में रहती हूँ मेरा घर एक मंजिल है मंजिलें हैं धन्यवाद कोई और कोई पूछ कुछ पूछना चाहता है स्टेला जी या पूछिए क्योंकि अभी थोड़ा समय और है और फिर हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे 2 मिनट में शुरू कर रहा हूं मैं क्योंकि वो अभी एंड हो जाए फिर शुरू से करूंगा उसको ये करने के लिए बैक नहीं पा रहा से करने के लिए जी निकोला जी जी हाँ आपको हिंदी फिल्म पसंद है जी हाँ मैं हिंदी फिल्म पसंद है कौन सी पसंद है आपकी फिल्म अच्छी आपको लगती है ये फिल्म नहीं है ये सीरीज क्या कोई इंडियन फिल्म स्टार अच्छा लगता है
ये जारा जी के लिए प्रश्न है क्योंकि जारा फिल्म पसंद अच्छा, करती जारा जी है। आपका इंडियन जी। जारा जी हाँ जी, आपको कौन सा फिल्म स्टार अच्छा लगता है? बाहुबली। बाहुबली गुड। और आमिर खान। आमिर खान नहीं, कौन सा जारा जी दूसरा कौन सा है? बाहुबली और रामलीला। रामलीला रासलीला रासलीला नॉट रामलीला रासलीला। और मैथ्यूज आपको कौन सी हिंदी फिल्म अच्छी लगती है? हिंदी फिल्म इंडियन फिल्म ओके कभी खुशी कभी गम और अशोका और भगवान आई थिंक और क्या आप टैगोर के बारे में जानते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर सब जानते हैं, सब जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जानते जी। हैं और क्या जारा जी अच्छा स्टेला जी हाँ स्टेला बोलिए। आई वांट टू से समथिंग दैट विश्वविद्यालय में हमारे कक्ष में का नाम रविंद्रनाथ टैगोर है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मैं आपको ये बता दूं कि पोलैंड के अंदर द्वितीय महायुद्ध के समय जब लोग पोलैंड के लोग वो को यहां से भेजा गया 500 लोगों को, उसमें औरतें और बच्चे थे और हिटलर के कारण कोई भी देश शरण नहीं दे रहा था, तो भारत के अंदर गुजरात के अंदर दिग्विजय सिंह राजा थे, उन्होंने शरण दी और उनसे कहा कि मैं इस शहर का बाप हूं और आप अपने आप को अनाथ ना समझें। और पोलैंड जितना भारत दरिया दिल है उतना ही पोलैंड उपकृत देश है, वो इस चीज को मानता है। और आज भी 2019 में महाराज दिग्विजय सिंह के नाम पर पोलैंड के अंदर स्कूल हैं, चौराहे हैं, मेमोरियल बनाया गया है। तो भारत और पोलैंड की मित्रता और जो संस्कृति है वो बहुत ही उदात है। अब मैं आपको इसके साथ आपके सामने ही बैठे हुए हैं बच्चे, एक तो हना भी है और इसमें ईजा भी है जिन्होंने इस फिल्म में पार्टिसिपेट किया था, और मैं आपको वो फिल्म दिखाता हूं इस कैमरे पर। कात्या जी आपको कौन सा भारतीय भोजन पसंद है? भारत का खाना कौन सा अच्छा लगता है? ये आप देखिए पसंद एक सर वो कात्या जी कुछ कह रही हैं, उसके बाद देखते हैं जी। आपको डोसा पसंद है, कोकोनट चटनी के साथ। मैं शुरू करो। हाँ नहीं आप दिखाएं, थोड़ा पास में लाएं, ऊपर ऊंचा करें। हाँ जी प्रोफेसर जी मैं मेरे साथ ये लैपटॉप में है तो
आपके पास है लैपटॉप में? आप दिखाओ 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 फौरन दिखाओ दिखाइए तो, एक सेकंड आप उसमें दिखाएंगे तो बहुत क्लियर आएगा उसमें। इसको इसे अंग्रेजी में आप कहेंगे तो सब विद्यार्थियों को समझ में आ जाएगा। हाँ नहीं हिंदी आसान है, नो प्रॉब्लम। यस ओके साउंड साउंड ठीक है, थोड़ा बढ़ाओ और ठीक है। हेडमास्टर tell me what do you want ssc percentage kya bole to admission chahiye bole to do you want admission high secondary mein kitna percent hai ka aur english ko padhne ke liye kitna first class mein 85% kam se kam 85% chahiye lekin ek pravesh pariksha entrance exam if you want to take admission in MBBS then 80% minimum percentage kya maam hua kon kon isko woh hai lekin admission lekin pravesh ki pariksha hai zaruri hai for entrance exam iske bina medical line mein admission nahi milta ye entrance exam dena zaruri hai kya मैंने उस एग्जाम में टॉप किया था। भाई बचपन ना माँ बोलेगी एग्जाम के पहले ना दही शक्कर खाने का टेंशन क्या क्यों लेता है तेरा बाप अपुन के साथ है ना बोला ना हाँ अपुन का एग्जाम देके जा मोना जी पिक्चर देखिए प्रोफेसर मैं
देखो पकड़ो यार घड़ी के कांटे भागे चाचा मामा सो गए सुले चाचू चाके देखो पकड़ो यार घड़ी के कांटे भागे एक कहानी खत्म रुजी शुरू हो गई मामो सुबह हो गई मामो 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 सुबह हो गई मामो मामो रीमा देखो पकड़ो यारो घड़ी के कांटे भागे इतना जल्दी ओह आई नो ओके दैट्स राइट थैंक यू मैंने मैं बल्गारिया के छात्रों से पूछता हूँ, ये कैसी लगी पिक्चर आपको? आपको पिक्चर कैसी लगी बल्गारियन स्टूडेंट से? हना जी, मोना जी आवाज नहीं आ रही आपका। हाँ, कातिया जी बताइए फिल्म कैसी लगी? आपको फिल्म कैसी लगी? जी हाँ, अच्छी लगी। आपको डीन का रोल कैसा लगा? अच्छा लगा सर, सबको बहुत अच्छा लगा। और सर यहाँ पर वन स्पेशल इंफॉर्मेशन एंड फॉर योर स्टूडेंट्स कि इंडोलॉजी सोफिया विश्वविद्यालय ने भी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है और जिसके लिंक मैंने चैट में डाल दिए हैं और आप उसे देख सकते हैं। ये इंडोलॉजी का इतिहास है। बल्गारिया में जो 35 साल हो गए हैं तो उसके पूरी एक आपको झलक दिखेगी। और आपकी फिल्म बहुत अच्छी थी, हमें बहुत अच्छी लगी। बहुत धन्यवाद। मुन्ना आपके सामने बैठे हैं और प्रोफेसर हनालिस इन्विजिलेटर और डीन सामने आपके बैठा है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। इमली नेश तो कोई तो विस्कते दा इस कुदाली ते इली प्रस्तुत आपकी क्लूच हो में छे नमेन क्रात के फिल्म में खरे सर उन्हें भी बेतीना को भी फिल्म अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। चलो बहुत बहुत और बहुत सुंदर कार्यक्रम के लिए एक बार फिर पुनः आपको बधाई देता हूँ मोना जी। आपने की मेहनत से दोनों देशों के छात्र मिले और क्रिसमस की सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंजॉय करें अपने दोस्तों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ और सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। कोरोना को ध्यान में रखते हुए पूरे ध्यान के साथ इस पावन पवित्र फेस्टिवल को मनाएं। इसके साथ मैं अपनी विदा लेता हूं और मोना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।
मैं भी आपका और आपके सभी विद्यार्थियों का बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज त्योहारों की शुरुआत हुई है और हिंदी से हम लोग जुड़े, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। आप सभी को क्रिसमस की और सभी आने वाले त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। कुछ कहना चाहते हैं प्रोग्राम बनाएंगे बच्चों के साथ नेश्तो इसके लिए нещо да кажете? Ами, благодарим, че бяха с нас. Беше ни приятно. Кери, ки, бърна дъневад. Хинди ме кери, кери, ки, дъневад. Ки, ам лук саб саат те, то бъхот ачча лага. Дъневад. Тик е. Тик е, намашкар. Ача, намасте. Намасте. Намаскар. Намашкар. Дъневад.